हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्वप्नाश डेली ब्लॉग में और एक न्यू ब्लॉग वीडियो के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और गुड मॉर्निंग मेरे सभी दोस्तों को और एक बार मेरे चैनल पे। तो कैसे हैं मेरे सारे फ्रेंड्स, अच्छे हैं ना? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और हम सब भी मस्त है। तो सुबह सुबह थोड़ा सा बारिश हो रहा है, अभी थोड़ा सा रुका है। बहुत ही अच्छा वेदर है आज, कल से थोड़ा बहुत बारिश हो रहा है और अभी वेदर थोड़ा सा ठंडा हो गया है, वरना बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रहा था। और आज यूजल मैं लग गई हूँ अपने कामों में। पूजा के लिए थोड़ा बहुत फूल ले लिया और कुछ बर्तन कल के थे और कुछ सुबह के बर्तन थे, उसे भी साफ करके रख दिया है और दूध को बॉयल करके भी रख दिया है। अभी मैं लग गई हूँ मेरे ब्रेकफास्ट की तैयारियाँ में। तो आज मैं रोटी के साथ चिली गोभी बना रही हूँ। यहाँ मेरा कुकिंग लगभग हो गया है, ये बहुत जल्दी हो जाता है। गोभी को मैं पहले से फ्राई करके रख दिया था और सारी सब्जियों को भी काट लिया था, तो बहुत जल्दी हो गया। और यहाँ मैं आटा को भी गूंथ के पहले से ही रख लिया था, तो अभी सिर्फ रोटी बनाना बाकी है, उसे भी मैं जल्दी जल्दी बना लूँगी और उसके बाद मेरा बाकी घर का काम करूँगी। फिर सार वगैरह लेके मैं पूजा वगैरह भी ख़त्म करूँगी। तो हस्बैंड के लिए टिफ़िन पैक करके दे दिया है, वो ब्रेकफास्ट करके निकल गए हैं ऑफिस के लिए। और अभी मैं अपना ब्रेकफास्ट भी कर रही हूँ और उसके बाद थोड़ा बहुत बर्तन है उसे भी साफ़ करूँगी। और सुबह हस्बैंड कुछ वेजेज वगैरह लेकर आए थे, तो उसे भी साफ करके रखूँगी। और थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम है उसे भी ख़त्म करूँगी। ये सब तो हमारा रोज़ रोज़ का रूटीन है। सुबह उठो, घर का सारा काम करो, ब्रेकफास्ट बनाओ, लंच बनाओ, फिर डिनर की तैयारियां करो, खाओ, ये करो, वो करो, ऐसे ही हमारा पूरा दिन निकल जाता है, पता नहीं चलता है। तो अभी मैं सारे वेजेस को साफ करके रख रही हूँ। थोड़ा सा सब्जी मंगाई थी क्योंकि फ्रिज में अभी भी बहुत सारा सब्जियाँ है। और ये जो तरबूज देख रहे हैं ना, ये कच्चा तरबूज है, मुझे बहुत ही पसंद है। इसका मसाला वाला सब्जी बनाओ या फिर मस्टर्ड वाला सब्जी बनाओ, बहुत ही टेस्टी लगता है। तो ये फ्रेश फ्रेश साग भी लेकर आए थे, तो इसे तो आज नहीं बनाऊंगी, सिर्फ इसे साफ करके रख दूंगी, कल बनाऊंगी। तो सारा काम ख़त्म करने के बाद अभी मैं अपने इंडोर प्लांट्स में थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ। बहुत दिनों से नहीं डाला था, सारी मिट्टी ड्राई हो गए थे, तो थोड़ा बहुत पानी अभी मैं डाल रही हूँ। ज़्यादा पानी नहीं देती हूँ क्योंकि ये बारिश का मौसम है। इंडोर प्लांट्स में पानी थोड़ा सा ध्यान से डालना चाहिए, गमलों की मिट्टी पूरी तरह से अगर सूखा हो तो ही पानी डालना चाहिए, वरना नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो प्लांट्स की रूट्स हैं ना, ओवर वाटरिंग की वजह से ख़राब हो जाते हैं और प्लांट्स ना धीरे धीरे मर जाता है। तो इसीलिए पानी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अगर गमलों की मिट्टी पूरी तरह से नीचे तक ड्राई हो तब भी पानी डालें, वरना ना डालें। बाहर अगर हम पौधे लगाते हैं ना, वो जैसे तैसे हो जाते हैं, लेकिन इंडोर प्लांट्स का केयर ज़्यादा करना पड़ता है। वो कहते हैं ना कि इंसान अपनी खुद की गलतियों से सीखता है, तो ऐसे गलतियां मैं भी कई बार कर चुकी हूँ, मेरे बहुत सारे प्लांट्स मैं ऐसे ही ख़राब कर चुकी हूँ।
तो मैं अपनी खुद की एक्सपीरियंस से आप सबको बता रही हूँ कि इंडोर प्लांट्स का ज़्यादा केयर करना चाहिए, वरना वो ज़्यादा दिन तक नहीं टिकते हैं। तो मैं खासकर अपनी इंडोर प्लांट्स का ज़्यादा ख्याल रखती हूँ। इंडोर प्लांट्स में बीच बीच में फर्टिलाइज़र डालना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे एक व्यूअर मुझे पूछे थे कि आप फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं। खासकर मैं इंडोर प्लांट्स में लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीका है। तो क्या क्या लेकर मैं कैसे कैसे लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाती हूँ, मैं आप सबको आगे मेरी जो आने वाले वीडियो है उनमें शेयर करूँगी। वैसे मेरे किचन से जितने सारे वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं ना, उसी को यूज़ करके मैं अपनी प्लांट्स के लिए लिक्विड फर्टिलाइज़र बना लेती हूँ। बहुत ही अच्छा होता है, प्लांट्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई भी बना सकता है, बहुत ही ईजी होता है। मैं अपने आने वाले वीडियो में आप सबको बताऊँगी, जब भी मैं कोई भी लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाऊँगी तो आप सबके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी मैं अपने प्लांट्स में थोड़ा सा पानी स्प्रे कर देती हूँ। बीच बीच में इसी तरह से इंडोर प्लांट्स में पानी स्प्रे करना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि प्लांट्स में बहुत सारे जो धूल मिट्टी है ना, वो धीरे धीरे प्लांट्स के पत्तों में लग जाते हैं, वो अच्छे से ब्रेथ नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए इसे थोड़ा बहुत साफ करना भी ज़रूरी होता है, और प्लांट्स को फ्रेश रखने के लिए भी पानी स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये देखिए मेरे सारे इंडोर प्लांट्स अभी कितने साफ सुथरे और फ्रेश दिख रहे हैं, क्योंकि मैं ये सारे पत्तों को भी थोड़ा सा साफ कर लिया था। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पेंट कर लेते हैं। होपफुली आप सबको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा। तो चलिए मिलते हैं मेरे और एक न्यू ब्लॉग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।